एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रिया जय व्लॉग। मैं प्रिया करती हूँ आप लोगों का वेलकम एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। और आज हम करने वाले हैं पैकिंग। हम जा रहे हैं मम्मा पापा के घर मुंबई। सो पैकिंग करनी है, कुकिंग करनी है, बहुत सारा काम है। अभी से सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे ताकि स्ट्रेस्ड आउट ना हो, और इवनिंग की ट्रेन है तो ईजिली सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो बस अब हम जा रहे हैं पहले पैकिंग स्टार्ट करने, फिर कर लेंगे कुकिंग और रेडी होकर चलेंगे। सो यहाँ पर मैंने बैग निकाल लिया है और इसे एक गीले कपड़े से अच्छे से वाइप कर लिया है। प्लास्टिक का कवर है तो बहुत ही इजीली से क्लीन हो जाता है। और इसे अब क्लीन करके ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जो भी चीज़ें मुझे पैक करनी है, जैसे जैसे इस तरीके से मुझे याद आती जाएंगी उस तरीके से मैं इसमें पैकिंग करती जाऊँगी। सो यहाँ मैंने मेरी पैकिंग स्टार्ट कर दी है और इस तरीके से मेरी पैकिंग हो जाएगी, फिर कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी है। मैं बना रही हूँ ट्रैवलिंग के लिए मेथी के पराठे, थेपले और ये आलू के स्टफ पराठे। तो मतलब आलू के पराठे और थेपले मैं बना रही हूँ। यहाँ पर आलू का मसाला, आटा, सब कुछ, चकला, बेलन, बर्तन, और यहाँ पर मैंने गैस पे तवा भी रख लिया है। एवरीथिंग इज़ रेडी। अब बस फटाफट से स्टार्ट कर देनी है कुकिंग। तो मैं पहले स्टार्ट कर दूँगी मेथी का पराठा बनाना। मेथी का पराठा बनाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आलू का पराठा बनाना। तो पहले बना लेते हैं मेथी के पराठे। और यहाँ मैंने मेथी का पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये एक पराठा मैंने रखा है यहाँ चकले पर, और एक यहाँ हो रहा है तवे पर सिक कर रेडी। और जैसे जैसे सिकता जाएगा मैं वहाँ थाली में रखती जाऊँगी ताकि ये बनते भी जाएँ और सारे के सारे कूल होते जाएँ। सो फटाफट से बना लेते हैं सारे पराठे और अच्छे से इसे थाली में स्प्रेड कर देंगे। सो ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये रेडी हो रहा है तवे पे का पराठा। और यहाँ पर सारे पराठे बनकर के रेडी हैं, सारे थेपले जो हैं वो बनकर के रेडी हैं। ये कसूरी मेथी के थेपले हैं, और जो फ्रेश मेथी के थेपले होते हैं वो ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर में होते हैं, ये थोड़े से येलोइश कलर में है, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। सो यहाँ मेरे सारे पराठे थेपले बनकर के रेडी हैं, और यहाँ मैंने इसे सारा स्प्रेड कर दिया है। जब तक ये यहाँ पर हो रहे हैं कूल डाउन, मैं यहाँ पर रेडी कर ले रही हूँ आलू का पराठा। ये स्लाइटली थिक है तो इसे थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, धीमी आंच पर सीखेगा ये स्लोली स्लोली। सो यहाँ पर ये रेडी है, और फटाफट से बना लेते हैं स्टफिंग वाला पराठा। फिर सारे पराठों को स्प्रेड करके रख देंगे और ये भी हो जाएंगे रेडी। और यहाँ पर दोनों पराठे बनकर के रेडी हैं, आलू वाले भी और मेथी वाले। तो दोनों पराठों को मैंने स्प्रेड कर दिया है थाली में, ठंडे हो जाएंगे। इस टिफ़िन में मुझे पैक करना है तो इसे मैंने अच्छे से ड्राई करके रख लिया है। सो पराठे तो पूरे स्प्रेड कर दिए हैं, वो इजीली ठंडे हो जाएंगे फटाक से। और यहाँ पर इतने सारे बर्तन निकल गए हैं खाना बनाते बनाते। सो ये सारे बर्तन अभी मुझे क्लीन करने हैं, किचन भी डन करना है पूरा अच्छे से क्लीन करके। सो पहले बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर किचन हम क्लीन कर लेंगे और पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन करके चलेंगे। सो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। और यहाँ पर तवा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे मैंने अभी गैस पे ही रखा हुआ है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसे यहाँ से हटा लूँगी। सो चलिए पहले खाना ठंडा हो जाए तो उसे पैक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग के लिए टिफ़िन पैक करके रेडी रख लिया है। इसमें है पराठे और अचार, और थोड़ा सा मैंने बिस्किट और थोड़ा सा नमकीन फरसान टाइप का थोड़ा ले लिया है। सो यहाँ मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर लिया है, गैस स्टोव अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर लिया है, और जाली में सारे बर्तन वॉश करके रख दिए हैं तो ये इसमें ड्राई हो जाएंगे। और किचन का प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से ड्राई कर दिया है। सो यहाँ मेरा किचन का काम डन हो गया है, किचन का काम हो गया, कुकिंग हो गई, पैकिंग हो गई, मतलब एवरीथिंग इज़ डन। अब हमें रेडी होना है और रेडी होकर के हम निकलेंगे। सो किचन कितना अच्छा दिख रहा है आफ्टर क्लीनिंग। सो लेट्स गेट रेडी। तो सारा काम हो गया, पैकिंग हो गई, कुकिंग हो गई और सब कुछ डन हो गया है। हम भी पूरी तरीके से रेडी हैं, बस कैब आ जाए और हम निकलेंगे अपने आगे के सफ़र की तरफ। हम चल रहे हैं मुंबई। सो कैब का वेट कर रहे हैं, कैब आ जाएगी देन वी विल बी गोइंग। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग में, नए वीडियो में। सी यू सून, टाटा, बाय बाय।